बिछुआ कोरोना वायरस संक्रमण जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन में चोरियां बहुत शांतिपूर्वक हो रही हैं और पुलिस केवल अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करती है। इससे चोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। बिछुआ पुलिस थाना के ग्राम किशनपुर के निवासी अमित पटेल ने बताया कि गत दिनों बस स्टाफ खमरा में किराए का कमरा लेकर राधिका साड़ी शोरूम खोला गया था। लॉकडाउन का चलते भी कई दिनों से दुकान बंद थी। इस वजह से चोरों ने पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और 10 से 15 हजार की साड़ियां और जीवस्टीर्स के चोरी की गई है। इस घटना ने तो पुलिस की पोल ही खोल कर रख दी है। पुलिस रात्रि गश्त के दावे भी करती है, इसके बावजूद लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं पुलिस की पोल खोल रही हैं, जिस पर पुलिस की गश्ती पर सवाल खड़े होते हैं। पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रात में पुलिस गश्त नहीं होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। संवाददाता ज्ञानेन्द्र इंदौरकर। हाँ इन्हें कहाँ चोरी हो गई? अरे यही पर भाई, अभी आदमी भी है एक खसवाने। स्टैंड के सामने राधिका साड़ी शोरूम लॉकडाउन के चलते हुए बंद था। उसे मैं फिर हमको बाद में अभी पता चला, साइड वाले भैया ने बताया कि आपकी दुकान का गेट पीछे से खुला हुआ है और चोरी हुई है। तो हमने आके देखे तो पीछे का दरवाज़ा टूटा हुआ था और साड़ियाँ जीन्स शर्ट वगैरह यहाँ से चोरी हुई हैं। नकदी रुपए भी गए हैं इसमें? कुछ नकदी रुपए नहीं, 200-400 रुपए नकदी से भी भर गए हैं और ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं गया, बस साड़ियाँ और जीन्स और शर्ट गए हैं। अच्छा, ये दुकान कब से बंद थी? दुकान लॉकडाउन बंद हुआ है तब से ही दुकान बंद थी। बीच में एक बार और आके देखे थे हमने 24 तारीख को, तो सब ठीक था। 24 तारीख के बाद हमने दुकान नहीं खोले। आपने दुकान कब खोला? दुकान हमने 11 तारीख को खोले शाम 5 बजे। अच्छा, तो क्या देखा आपने? 11:05 को हमने देखे तो यहाँ से मान लो पीछे का दरवाज़ा था, तो वहाँ से पीछे पूरा टूटा हुआ था हमारे, और हमने सोचे यहाँ कपड़े थे तो ये कपड़े कहाँ से, तो देखे तो पीछे का दरवाज़ा पूरा टूटा हुआ था। साड़ियाँ भी नहीं थी, कुछ जीन्स वगैरह और शर्ट भी नहीं थी, ये सब सामान गया है। आपने इसकी रिपोर्ट करें? हाँ, रिपोर्ट थाना प्रभारी को जाके रिपोर्ट किए हैं। थाना प्रभारी ने भी आकर चेक किए हैं। तो क्या बोला गया? हाँ, उनने बोले हैं कि इसका कार्रवाई होगी अभी, और इसका कार्रवाई करके हम आपको बताएंगे। बोले क्या नाम लिखते हो? मैं अमित वर्मा। कहाँ के रहने वाले? रहने वाले किशनपुर का। किशनपुर के। दुकान कहाँ है आपकी? दुकान खमरा बस स्टैंड चौक में है। तो आप क्या चाहते हो शासन से? क्या चाहता है? इसका निराकरण हो और मान लो जानकारी लगे कि चोर कौन है, उसको तो थोड़ा सा दंड मिलना चाहिए और हमारा सामान का थोड़ा सा पता चलना चाहिए।